बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, यह हादसा तेज रफ्तार रोडवेज बस और डीसीएम के बीच हुआ। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरा मामला जनपद बाराबंकी के रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र के ताला मोड़ के पास का है, जहाँ तेज रफ्तार रोडवेज बस और डीसीएम के बीच बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर एक तरफ लखनऊ से अयोध्या की तरफ बस जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से लखनऊ की तरफ तेज रफ्तार में डीसीएम आ रही थी। दोनों लाइन की गाड़ियां एक लाइन पर आने के चलते हादसा हुआ। इस हादसे में रोडवेज बस पर सवार दो लोगों की मौत हो गई, साथ ही दो दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि बारिश में हाईवे धंसने के चलते एक ही लाइन पर डायवर्जन किया गया था, जिसके कारण यह घटना हुई है। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय सीएससी पर भर्ती कराया, साथ ही स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सीएससी पर मौजूद डॉक्टरों ने गंभीर घायल मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर किया। रामसनेही घाट में वहां पर अयोध्या से लखनऊ रूट पर एक तरफ एनएचआई का काम चलने की वजह से वो रास्ता बंद है। एक ही साइड से दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही है। इसी ट्रैक पर अयोध्या से जाने वाली एक बस से एक भारवाहक बड़े ट्रक से जो लखनऊ की तरफ से जा रही थी साइड से टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है और कई लोग, एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिनका सीएससी रामसनेही घाट पर इलाज चल रहा है। मौके से जो जाम की स्थिति नहीं बनने दिया गया, सबको हटा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाराबंकी में ही बैंक से पैसे निकलने आए मोटरसाइकिल सवार महिला को चारपहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से मोटरसाइकिल महिला गंभीर घायल हो गई, जिसे सीएससी टिकैत नगर में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की रास्ते में मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला कोतवाली टिकैत नगर के बारिन बाग चौकी के पास का है, जहां मोटरसाइकिल से आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में रुपया निकालने आई एक महिला को चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी और जिला अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई।